हम सभी जानते हैं कि महाभारत में पांडवों की जीत हुई थी। क्यों? क्योंकि वो धर्म के साथ थे, धर्मराज युधिष्ठिर उनके साथ थे और भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे। लेकिन जब धर्मराज ही युधिष्ठिर थे तो उनका महाभारत में जीतना तो निश्चित था ही, लेकिन द्यूत क्रीड़ा में वो क्यों हार गए? ऐसा कहाँ क्या गलती थी कि पांडव द्यूत में हारे गए और दुर्योधन की वहाँ जीत हुई? इसका वर्णन उद्धव गीता में श्री कृष्ण उद्धव जी के जवाब में कहते हैं कि विवेकशील व्यक्ति की, जो धैर्यवान होता है, उसकी ही सदैव जीत होती है। द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन को धैर्य था, उसको पता था कि मैं पास से अच्छे से नहीं फेंक सकता, तो उसने मामा श्री को आगे किया। लेकिन वहाँ पे युधिष्ठिर को धैर्य नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं जितना हो सके खोया हुआ धन वापस पा लूँगा। इसलिए वो एक एक करके भाइयों को दाव पर लगाते गए और हारते गए। लेकिन महाभारत के युद्ध में ऐसा नहीं था, ये बात युधिष्ठिर को समझ में आ चुकी थी। तो उनका जो युद्ध जीतना इसलिए निश्चित था क्योंकि उनके पास 13 वर्षों का धैर्य था। वो चाहते तो पहले वर्ष के वनवास में ही आक्रमण कर सकते थे, अपना बदला ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। तो जब भी ज़िंदगी में कामयाबी आपके हाथ नहीं लगती तो उसका एक ही सबसे बड़ा कारण होता है कि धैर्य का ना होना। इसी जब भी आप कुछ भी करते हैं, पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि धैर्यवान व्यक्ति ही सदैव जीता है। इस बात का सदैव ध्यान रखिए।